हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप गल करते हैं प्यास बारे। तो बेटा तुहानू पता ही है कि प्यास की है, पंजाब अचीवमेंट सर्वे। पर आप करना की है, ये डाइट स्टूडेंट्स लिए है कि डाइट ज कॉलेज स्टूडेंट्स लिए कि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों किस तरह रजिस्टर करवाना है, जिन्होंने उन्होंने अडाप्ट करना है तैयारी लिए। तो सब तो पहला आप करेंगे बेटा, सब तो पहला आप पंजाब एजुकेयर ऐप पर जावे, उसनों खोल के उस दे विच एक कॉलम है डाइट ETT कॉलेज स्टूडेंट्स इनफॉर्मेशन फॉर्म। तो तुम इस सिलेक्ट करोगे, इसनों जो इस प्रेस करोगे तो तुहाडे लई इनफॉर्मेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिथे सब तो पहला तुम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे। अगर तुम मानसा जिले नाल संबंधित हो तो मानसा, होर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो ओही डिस्ट्रिक्ट आपां सिलेक्ट करांगे। तो इस तो बाद नैक्सट ते जावांगे। नैक्सट तो बाद अगला आ जाएगा इनफॉर्मेशन फॉर्म दे विच कि केड़े कॉलेज जा डाइट नाल तुसी कंसर्नड हो, जिवें डाइट अहमदपुर मानसा। तो इस नूं आपां टिक करांगे सर्कल दे विच, फिर असी नैक्सट ते जावांगे। तो फिर अगली इनफॉर्मेशन की है डाइट ETT स्टूडेंट इनफॉर्मेशन फॉर्म दे विच ही स्टूडेंट दी इनफॉर्मेशन, नेम ऑफ कोर्स, तुसी केड़ा कोर्स कर रहे हो, जिवें तुहानू पता ही है DLED, तो वह इत्थे फिल कर देंगे आपां। उस तो अगला ईयर केड़ा है, तो 2020-21 साल जिहड़ा चल रहा हुण सैशन उसका नाम। तो अगला कॉलम है ईयर, तुसी फस्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सैकेंड ईयर के, इन चो एक तुसी सिलेक्ट करोगे जिहड़े भी साल के तुसी स्टूडेंट हो। फिर तुहाडा नाम, तुसी अपना पूरा नाम फिल करोगे। अगला कॉलम फादरस नेम, ईजी है तो तुसी अपने फादर का नाम इत्थे फिल कर दोगे। तो फिर अगे नैक्सट ते क्लिक करोगे। अगली इनफॉर्मेशन की है तुहाडी टीचिंग प्रैक्टिस डिटेल्स, जिथे तुहाडी TP लगी है, डिस्ट्रिक्ट जिथे तुसी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट नो अडॉप्ट करना है। इत्थे बेटा मैं तुहानू एक गल होर दसदा, कई बार तुहाडी TP किते होर भी लगी होवे तां तुसी किसी भी जिले दे किसी भी पिंड दे गवर्नमेंट स्कूल दे स्टूडेंट नू गाइड कर सकदे हो। जरूरी नहीं है कि तुसी जो पहला जिथे काम कर रहे हो जां TP लगी है उत्थों दा ही करना है। जे वो तुहाडे तों दूर पैंदा तुहाडी पहुँच तों, तां तुसी किसी होर स्कूल दा विद्यार्थी, पर शर्त है कि वह गवर्नमेंट स्कूल दा विद्यार्थी होवे, ते वह किसी भी क्लास दा हो सकदा, 1st to 12th। समझ आ गई बेटा? हाँ जी। उस तो बाद आपां उसदा एजुकेशन ब्लॉक भरांगे। पहला डिस्ट्रिक्ट भरता, जिहड़े भी जिले का बच्चा तो उस दा ही ब्लॉक कि किस ब्लॉक का स्टूडेंट तुसी लै रहे हो। तो फिर स्कूल का नाम, उस बच्चे दे स्कूल का नाम, स्कूल नेम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट, जिहड़े स्कूल का बच्चा तुसी लै रहे हो उस स्कूल का नाम आपां इत्थे फिल करांगे। उस तो बाद क्लास, स्कूल का नेम फिल करन तो बाद किस क्लास का बच्चा तुसी गाइडेंस लई चुनिया है, तो उस क्लास का नाम आ जाएगा। फिर EPIDF ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट, हाँ जी बड़ा इंपोर्टेंट कॉलम है बेटा, ये हर एक बच्चे को अपने डिपार्टमेंट वालों एक यूनीक ID दी गई है, नंबर दिता गया है। ये स्कूल के सारे बच्चों को तकरीबन पता भी है, स्कूल के टीचर्स तो भी मिल सकता है, तो वो ID नंबर इतने फिल करांगे। इतने आप गलती नहीं कर सकते, जिहड़ी ID बच्चे को अलॉट हुई है वो ही आप इतने ID फिल करांगे। इस नाल की है रेपीटिशन भी नहीं होंगी, तो बच्चे की कि नहीं कि दो बार बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ जी। उस तो बाद आपां उस बच्चे का नाम, जिहड़ा बच्चा तुसी चूज़ कीता गाइडेंस लई, उस बच्चे का नाम इत्थे आपां फिल करांगे। तो फिर सबमिट करांगे। हुण तुहाडी रिक्वायर्ड इनफॉर्मेशन जिहड़ी सारी सबमिट हो चुकी है, पर एक स्टूडेंट दी फिल होई है, तो तुसी नैक्सट स्टूडेंट दी फिल करन लई दोबारा तो सारा कुछ भरोगे दूसरे बच्चे लई। तुसी घट तो घट 5 बच्चे तो हर एक ने गाइड करने ही करने ने, बद जिन्ने मर्जी लै सकते हो। तो ये सी साडा रजिस्ट्रेशन का प्रोसैस। उस तो बाद रजिस्टर करवाने तो बाद असी इन बच्चों नू पैस का टैसट होने तक पूरी तैयारी ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड राही करवानी है, ताकि बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकन और अपनी स्टेट का नाम, तो बच्चे का नाम, स्कूल का नाम
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਭ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।